जातीय शिक्षानीति 2020 को आपण को स्वागत मैथ गुरु ओडिसा रे। तो आज आम जातीय शिक्षानीति आमर प्रणयन हो जाइए 2020। तो से विषय टीका आलोचना करिबा। तो कौन रही केमिति पाठ्य ढांचार परिवर्तन होती कौन हो देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक में आज जातीय शिक्षानीति 2020 NEP 2020 को मंजूरी आमर मिल जाइए। यह कौन ना एकविंश शताब्दी प्रथम शिक्षानीति जहाँ आमर कौन थी ना 34 वर्षर पुराणा शिक्षानीति थिला ताहा आज आमर चेंज होती। नीति नुआ नीतिर मूल स्तंभ गुड़िक है कौन ना ये नुआ नीतिर मूल स्तंभ होउछि पहुंच समानता गुणवत्ता सुलभता आउ पारदर्शिता। तो यही भाव में आमर रही जातीय शिक्षानीति 2030 स्थायी विकास लक्ष्य अनुरूप हो शिक्षानीति को प्रस्तुत करा जाइछि। एहि नीति माध्यम भारत को एक उज्जवल ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति भाव में परिणत करने को लक्ष्य रखा जाइछि। एहि नीति देशर विद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा को आहुरी सामग्रिक नमनीय और बहु विषयक करने सहित एकविंश शताब्दी आवश्यकता प्रति ध्यान देव बोली कहु। नुआ पाठ्यक्रम और शिक्षागत ढांचा सहित प्रारंभिक शैशव जत्न और शिक्षा एथरे कौन करा जाइछि एथरक ना विद्यालय पुराणा जो आमर थिला जे पुराणा ढांचा 10+2 ताहाकु चेंज कर दिया जाइछि। चेंज करी कौन है ना 5 3+3+4। ये 5 3+3+4 कौन आम टी से विषय में संपूर्ण भाव डिस्कसन करवा। तो ये बयस क्रम जो 3 8 8 11 11 14 14 18 रखा जाए। साधारणतः 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ शिशुर मेधाशक्ति विकसित होबार गुरुत्वपूर्ण समय बोली विश्व स्तर में ग्रहण करागला। तेणु यही सिस्टम जो 5+3+3+4 पाठ्यक्रम लॉन्च होती। तो नुआ व्यवस्था रे 12 वर्षर विद्यालय शिक्षादान सहित 3 वर्षर अंगनवाड़ी प्राक विद्यालय शिक्षादान को सामिल करा जाइछि। प्रारंभिक शैशव जत्न एवं शिक्षा पर एक जातीय पाठ्यखसड़ा एवं शिक्षा ढांचा प्रस्तुत करार दायित्व NCERT को दि जाए। 8 वर्ष बयस छात्र छात्री यह प्रस्तुत करा जीवो। अंगनवाड़ी और प्राक विद्यालय समेत गुरुत्वपूर्ण भाव संप्रसारित और सुदृढ़ व्यवस्था मध्य ECI जुगाई दि जाए। अच्छा आमर कौन है ना सुदृढ़ कराला अंगनवाड़ी कर्मी को ECI शाखा पाठ्य व्यवस्था सामिल करदे। प्राक विद्यालय माध्यमिक स्तर पर्यंत समस्त स्तर विद्यालय शिक्षा सुनिश्चित करने सहित NEP 2020 रे जोर दि जाइछि। भित्तिभूमि सहायता अभिनव शिक्षा केन्द्र माध्यम स्कूल छाड़ुवा पिला मुख्यधारा को आनिबा छात्र छात्री और सेमानकर पाठपढ़ा स्तर को निरीक्षण करवा उभय औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा पद्धति माध्यम अध्ययन बहुमुखी सुविधा जोगाई देवा। यही सब होइछि जातीय शिक्षानीतिर प्रणयन। NEP 2020 अधीन पाखापाखि 2 कोटी छात्र छात्री को मुख्यधारा को अणाजा को टार्गेट निया जाइछि। अर्थात 2 कोटी छात्र छात्री एथर मुख्यधारा को आसवे बोली टार्गेट निगला। अच्छा तापर आसला मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल कौन करेंगे। तो मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल को जरूरी और अत्यावश्यक प्राक शिक्षा ग्रहण आवश्यकता भाव विवेचना करी NEP 2020 में मानव संबल विकास मंत्रालय द्वारा एक जातीय मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन प्रतिष्ठा करने लगे प्रस्ताव रही। अर्थात आउ गोटे आमर हेबो डिपार्टमेंट जे जातीय मौलिक साक्षरता ओ संख्यागान प्रतिष्ठा करने को गोटे आमर प्रणयन होइछि। मिशन गोटे प्रतिष्ठा करने को आमर प्रणयन होइछि। तो शिक्षादान निमंते राज्यगुड़िक 2025 सुधा योजना प्रस्तुत करेंगे। अच्छा विद्यालय पाठ्यक्रम और शिक्षादान क्षेत्र में कौन संस्कार घटी वर्तमान देखा। विद्यालय पाठ्यक्रम और शिक्षादान व्यवस्था सामग्रिक विकास गुरुत्वपूर्ण गुरुत्वारोप कर विद्यार्थी मानक एकविंश शताब्दी दक्षता शिक्षा दि जाए। अर्थात पाठ्य विषय वस्तु ह्रास सहित जरूरी शिक्षा और गुरुत्वपूर्ण चिंताशीलता को विकसित कर जहाँफल कला विज्ञान पाठ्यक्रम एवं पाठ्य बहिर्भूत विषय धंदामूलक और शिक्षागत विभाग कौन बाध्यतामूलक पृथककरण रहिबो नाही। 6 श्रेणी एवं पिलामाने आमर धंदामूलक शिक्षा करिपारिबे। इंटर्नशिप को सामिल करा जिवो। बहुभाषिता और भाषार शक्ति नुआ शिक्षानीति रे कौन ना अति कम 5म श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री को यही भाषा रे पढ़िबे। अर्थात निज मातृभाषा 5म श्रेणी पर्यंत पढ़िबे। समस्त स्तर में संस्कृत भाषा रे पढ़िबार रहिछि। अन्य शास्त्रीय भाषा और साहित्य शिक्षार विकल्प मध्य रखा जिवो। एक भारत श्रेष्ठ भारत यही गोटे कार्यक्रम जो एक भारत आउ आमर श्रेष्ठ भारत से कार्यक्रम को आमर अपना जाइछि। जो एक भारत आउ श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को तो षष्ठ रु अष्टम श्रेणी मध्य भारतीय भाषा उपर एक कौतुक प्रकल्प कार्यकलाप अंशग्रहण कर सुजोग दि जाए। संस्कार आकलन कौन ना एनएपी 2020 संक्षिप्त आकलन बदल में नियमित एवं गठनमूलक आकलन उपर गुरुत्व दि जाए। एक नूआ जातीय आकलन परख एवं सामग्रिक परख जो सेटा प्रणयन करा जाउछि जेटा कि सामग्रिक विकास पई ज्ञान प्रदर्शन आकलन समीक्षा विश्लेषण नामक एक मानक प्रतिष्ठा संस्थान प्रतिष्ठा करा जिवो। समानता और समावेशी शिक्षा अर्थात लिंग भेद समस्त को छाड़ी गोटे समानता भाव में शिक्षा आमर प्रदान करा जिवो। प्रारंभिक स्तर उच्च शिक्षा पर्यंत दिव्यांग छात्र छात्री संपूर्ण भाव नियमित शिक्षा किभली प्रक्रिया रे शामिल करा जाय परिबो से कथा लक्ष्य दि जाए। आवश्यकता अनुरूप दिव्यांग छात्र छात्री को शिक्षादान लगी तालीम प्राप्त शिक्षक संबल केन्द्र रही सुविधा सहायता उपकरण उपयुक्त प्रजुक्ति आधारित उपकरण आदि जुगाई दि जाए। एथपाई कौन हम ना बाल भवन प्रतिष्ठा करा जिवो। प्रति जिला और राज्य गुड़िकर बाल भवन प्रतिष्ठा करापर आम निजुक्ति आसी जाऊँ और क्यारियर विकास मार्ग बर्तमान आसीगला। तो निजुक्ति आ क्यारियर विकास मार्ग रे आमर अच्छी जे शिक्षक मान प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया जरिया निजुक्ति दि जाए। पदोन्नति योग्यता आधार हो जो विभिन्न स्रोतर मझी मझी कार्य प्रदर्शन आकलन करवा क्यारियर को आग को बढ़िया शिक्षा प्रशासक शिक्षा विषय देवार व्यवस्था करवा। एनसीईआरटी एससीईआरटी शिक्षक एवं समस्त तरह क्षेत्र विशेषज्ञ संगठन गुड़ परामर्श नियाजिवो। विद्यालय परिसर व क्लस्टर गुड़ व्यवस्थित करा प्रशासन मूल यूनिट हो जोटा आम सीआरसी क्लस्टर पॉइंट अच्छी सेटा कथा देइछि। तो या फल कौन हम ना शिक्षागार पाठगार प्रस्तुति हे शैक्षिक मनोभाव सृष्टि हे और निजुक्ति वृद्धि पाइब। विद्यालय शिक्षा लगी मानक निर्धारण और मान्यता प्रदान तो एनपी 2020 नीति निर्णायक आमर होइछि। तो विद्यालय मानक निर्धारण कराजिवो केउटा भल केउटा खराब कौन कले गुणवत्ता आकलन कले पिला भल पढ़िबे। तो उच्च स्तर शिक्षा कौन देइछि ना 2035 सुधा जीआईआर को बढ़ाई 50% कराजिवो। अर्थात जीईआर आमर पूरा नाम सकल नामांकन अनुपात अर्थात आपणकर होल रेसीओ आपणकर नामांकन रेसीओ जो रोची तो सही कथा से देइछि जे 26.3% 2008 वृद्धि करी 2035 सुधा 50% कराजिबार व्यवस्था अछि। एचईसीआई गठन हेबो भारतर उच्च शिक्षा विभाग यूजीसी जो भली अछि सेही भली एचएससी गठित हेबो। छात्र छात्रीक पय आर्थिक सहायता दिया जिवो। एससी एसटी ओबीसी और अन्य स्वतंत्र श्रेणी छात्र छात्री को प्रोत्साहन दिया जिवो। छात्रवृत्ति पोर्टल संप्रसारण करा जिवो अर्थात अधिक छात्र छात्री को एथरे शामिल करा जिवो। मुक्त और दूरशिक्षा केभली मुक्त हो पारिबो एवं इन क्लास रो उच्चतम गुणवत्ता विशिष्ट इन क्लास कार्यक्रम केभली हो पारिबो। एमओसी द्वारा क्रेडिट आधारित मान्यता किभली दि जाए से विषय में आलोचना हेब। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा को गुरुत्व दि जाए। आजिका डेट्रे जो कोरोना महामारी ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा निश्चित तेणु आगो भविष्य निश्चित आवश्यक। तापर शिक्षार प्रजुक्ति शिखा मूल्यांकन करवा योजना प्रस्तुत करवा प्रोत्साहन को प्रोत्साहित करने लगी प्रजुक्तिर उपयोग कर एनईटीएफ निर्माण कर। तो ये आमर 5 years फंडामेंटाल स्टेज तो सी जो 5 3+3 जो आम देखिले सेटा कौन बर्तमान देखा ना 5 वर्ष 3 years ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल एंड क्लासेस 1 and 2 आमर अंगनवाड़ी और प्रथम द्वितीय को प्रथम 5 वर्ष नहीं अर्थात अंगनवाड़ी 3 वर्ष आ प्रथम द्वितीय 2 मिसिक 5 वर्ष तापर पिला पढ़े 3 to 5 तो सेटा 3 वर्ष तृतीय चतुर्थ पंचम तापर आमर षष्ठ रु 8 3 वर्ष तो तापर आस जाउछि 9 to 12 4 वर्ष। तो आमर टोटल ऊपर मिसिक हो जाउछि कोन ना टोटल ऊपर हो जाउछि 5+3+3+4 हो गला। तो एटा जानि परले तो उच्च शिक्षा अनुष्ठान सृष्टि हेबो 3.5 कोटी नुआ सीट धंदामूलक शिक्षा द्वारा 3.5 कोटी नुआ सीट सृष्टि हो। आईआईटी पिला पढ़े मानविकता पाठ अर्थात मानविकता पाठ 2040 सुधा देशर समस्त उच्च शिक्षा निज पाठ्यक्रम शांति सौहार्द मानविकता विषय को जोग करेंगे 2040 सुधा अर्थात लंग टाइम ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा आम अलरेडी पढ़ी सारीचे 5-3-3-4 बुझीपार जोटा कि 3-8 वर्ष आमर 5 जो रही 5 3-8 वर्ष पिला 5+3 जो 8-11 वर्ष तापर +3 जो 11-14 वर्ष और 14-18 वर्ष रहिबो। तो एभली भाव जातीय शिक्षा नीति प्रणयन होईची। तो रहुची नुआ होइतले चैनल निश्चित भाव सब्सक्राइब कर देबे। एभली इन्फॉर्मेटिव वीडियो एजुकेशनल वीडियो मैथ रिलेटेड वीडियो पाइबा पई रहुची। जय जगन्नाथ। थैंक यू फॉर वाचिंग।